मूवी की शुरुआत में हमें जैक सली को दिखाया जाता है जो कि पेंडोरा प्लेनेट पर है और अब उमाटिकाय लोगों का लीडर बन चुका है। यहाँ पर अब उसकी पूरी फैमिली है। जैक ने अब दो बच्चों को भी अडॉप्ट कर लिया है जिसमें जो लड़की होती है उसका नाम कीरी है। वो जैक की ही दोस्त ग्रेस की बेटी है। जब वो अवतार के रूप में आई थी तो उसको एक बेटी हुई थी और ग्रेस की मौत हो गई क्योंकि उसने इस प्लेनेट के लोगों का साथ दिया था, इसलिए जैक ने अब उसकी बेटी को अडॉप्ट कर लिया। यहाँ पर एक इंसानी बच्चा भी होता है क्योंकि जब इंसान इस प्लेनेट को छोड़कर गए थे तो ये बच्चा यहीं पर रह गया था। अब जैक और उसकी बीवी निटेरी इन सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं। जिस तरह से निटेरी ने उसे इस प्लेनेट पर हर एक चीज सिखाई थी, जैक भी अपने बच्चों को ठीक उसी तरह सब चीजों को सिखाता है। एक रात जब जैक निटेरी के साथ लेटा होता है तभी वो आसमान में एक चमकते हुए सितारे को देखता है जिसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है और जल्द ही इन्हें ये बात समझ में आ जाती है कि ये कोई सितारा नहीं बल्कि इंसानों के स्पेसशिप है जो एक बार फिर से उनके प्लेनेट पर आ चुके हैं। अब जो इंसानों के स्पेसशिप होते हैं वो इनके प्लेनेट पेंडोरा पर लैंड करते हैं जिससे जंगल में आग लग जाती है और बहुत तबाही होती है। अब स्पेसशिप के दरवाजे खुलते हैं जिसके अंदर इंसान जो मशीन में बैठे होते हैं वो बाहर निकलते हैं। साथ ही बड़ी बड़ी मशीनें भी होती हैं। उनके सामने जो भी आता है वो उसे कुचलते हुए आगे बढ़ते हैं। जैक और उसकी बीवी इस तबाही को देखकर बहुत दुखी होती है लेकिन वो उनकी मशीन और उनकी टेक्नोलॉजी के आगे टिक नहीं सकते थे इसलिए वो उनका विरोध नहीं करते। वहीं हमें इंसानों की लैब में दिखाया जाता है जहां बहुत सारे अवतार होते हैं। वहां पर जैक का भी अवतार होता है जो अभी अभी होश में आया होता है। वो पूरी तरह से बेकाबू होता है। उसे बताया जाता है कि आप कर्नल माइल्स हैं और आपको मार दिया गया था जिसके बाद आपके डीएनए से इस अवतार को बनाया गया है ताकि आप इस प्लेनेट पर आराम से सर्वाइव कर सको। दरअसल इंसानों ने इस प्लेनेट के लोगों की तरह बहुत सारे अवतार बना लिए होते हैं क्योंकि वो इस बार किसी भी कीमत पर इस जंग को जीतना चाहते हैं। वहीं हमें जैक और निटेरी को दिखाया जाता है जो इंसानों की एक ट्रेन को तबाह कर देते हैं जिसके अंदर हथियार और इंसानों की रसद का इंतजाम था। जैक अपने साथियों के साथ उनके हथियारों पर कब्जा भी कर लेता है और जब ये बात कर्नल को पता चलती है तो वो कहते हैं कि हमें सबसे पहले जैक को ही खत्म करना होगा जो इस प्लेनेट के लोगों का लीडर बन गया है। उसी के कहने पर यहाँ सब कुछ हो रहा है। तभी यहाँ पर कर्नल की सीनियर ऑफिसर आती है जो कर्नल को बताती है कि हम जब भी अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को उनके जंगलों में भेजते हैं तो वहाँ पर जो उड़ने वाले क्रिएचर होते हैं उन पर हमला करके उन्हें तबाह कर देते हैं। ये सुनकर कर्नल कहता है कि वो अपने साथियों के साथ अब जंगल में पैदल ही बढ़ेगा और जब वो अपने साथियों के साथ पैदल जंगल में जा रहा होता है तो वहाँ पर जैक के बच्चे होते हैं जो उन्हें देख लेते हैं और जैक को इन्फॉर्म करते हैं। जैक उन्हें कोई भी हरकत करने से मना करता है और चुपचाप उन्हें निकल जाने को कहता है। वो बच्चे उसकी बात को मानकर वहाँ से जाने लगते हैं तभी उनके सामने कर्नल और उसके साथी आ जाते हैं जो उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ निटेरी भी आ जाती है जो अपने बच्चों को उनसे बचा लेती है। कर्नल और उसके साथी उस बच्चे को अपने साथ उठा ले जाते हैं जो कि इंसानी बच्चा होता है जो इसी प्लेनेट पर रह गया था जिसे बाद में निटेरी और जैक ने मिलकर पाला था। जैक अब निटेरी से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस कबीले को छोड़कर जाना होगा। वो जो अवतार था वो कर्नल का था, उसके इंसानी बॉडी को मैंने ही मारा था और अगर हम जल्द ही इस कबीले से नहीं निकले तो वो मेरे साथ साथ इस पूरे कबीले को खत्म कर देगा, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। निटेरी को भी अब जैक की बात समझ में आ जाती है इसलिए जैक अब अपनी पूरी फैमिली को लेकर निकल पड़ता है। वहीं हम जैक के उस बेटे को देखते हैं जिसे कर्नल अपने साथ लेकर गया था जिसका नाम स्पाइडर है। उसे इंसान टॉर्चर करते हैं ताकि वो जैक के कबीले का पता जान सके लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तभी वहाँ कर्नल आ जाता है और कहता है कि ये एक इंसान है, इसे टॉर्चर मत करो। उसके बाद कर्नल स्पाइडर को बताता है कि वो उसका रियल फादर है। पिछली दफा जब मैं इस प्लेनेट पर आया था तो मैंने तुम्हें इस प्लेनेट पर छोड़कर चला गया था जो कि मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, लेकिन अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं तुम्हें वापस ले जाऊंगा। ये सुनने के बाद स्पाइडर कर्नल की बात को मान जाता है। वहीं हम देखते हैं कि जैक अब अपनी पूरी फैमिली को लेकर पानी में रहने वाले उस प्लेनेट के लोगों के पास पहुंचता है जो कि उनसे थोड़ा अलग होते हैं और वहां का जो लीडर होता है वो जैक से कहता है कि तुम यहां पर नहीं रह सकते क्योंकि तुम्हारा रहन सहन और हमारा रहन सहन पूरी तरह से अलग है, हम पानी में रहते हैं और तुम जंगल में। जैक वहाँ के लीडर को समझाता है कि इस वक्त मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है, मेरी फैमिली की जान खतरे में है, हमें यहाँ कुछ दिन रहने की इजाज़त दे दो, जिसके बाद जैक और उसकी फैमिली को यहाँ रहने की इजाज़त मिल जाती है।
लेकिन उन्हें पानी में रहना नहीं आता और ना ही यहाँ पर रहने वाले लोग इन्हें पसंद करते हैं। लेकिन वहाँ के लीडर ने अपने बेटे और बेटी को ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि वो उन्हें यहाँ पर रहने के तरीके सिखाएं। और उसी दिन से ये लोग पानी के अंदर रहने और वहाँ के क्रिएचर की सवारी करने की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। सभी को शुरुआत में पानी में रहने में दिक्कत होती है, लेकिन जैक की बेटी कीरी पानी में रहना आराम से सीख गई थी। जैक भी वहाँ के लीडर के साथ पानी में रहने वाले क्रिएचर की सवारी कर रहा था, लेकिन उसे भी परेशानी हो रही थी। उधर कर्नल स्पाइडर को लेकर अपने लिए एक रांग चुनने आया था ताकि वो पूरी तरह से एक नावी बन जाए, और बहुत जल्दी वो अपने लिए एक रांग को चुन लेता है। उधर जैक के बच्चे भी धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगे थे। एक दिन लीडर का बेटा और उसके दोस्त कीरी को परेशान करते हैं, जिसकी वजह से उनकी कीरी के भाई निटेप और रॉक से लड़ाई हो जाती है। बाद में जैक अपने बेटों को समझाता है कि उन्हें यहाँ पर रहना है, इसलिए वो सबसे दोस्ती बना कर रखे। अगले दिन जैक का बेटा रॉक लीडर के बेटे से माफ़ी मांगता है, वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो उसका दोस्त बनने का नाटक करते हुए उसे पानी की गहराइयों में लेकर जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर रहता है। वो उसे पानी के अंदर छोड़कर चला जाता है। उसके बाद वहाँ पर वो मॉन्स्टर आता है जो कि जैक के बेटे पर हमला कर देता है। वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू कर देता है, लेकिन पानी के अंदर जैक के बेटे की स्पीड इतनी तेज नहीं होती। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उसे खाता, वहाँ पर एक दूसरा मॉन्स्टर आ जाता है जो उसे मार देता है। जैक के बेटे की पानी में ज्यादा देर रहने की वजह से सांस रुकना शुरू हो जाती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो पानी के ऊपर होता है। वो देखता है कि वो उसी मॉन्स्टर के ऊपर लेटा हुआ है जिसने पहले वाले मॉन्स्टर को मार दिया था। दरअसल इसी मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई है। जैक का बेटा देखता है कि उस मॉन्स्टर की बॉडी में बड़े बड़े हथियार हैं जो उसके अंदर धसे हुए हैं, जिससे उसे बहुत तकलीफ हो रही है। जैक का बेटा उन हथियारों को निकाल देता है, जिसके बाद ये मॉन्स्टर जैक के बेटे को किनारे पर छोड़ आता है। लीडर को पता चल जाता है कि उसके बेटे ने जैक के बेटे को पानी के अंदर उस खतरनाक मॉन्स्टर के पास छोड़ आया था, इसलिए वो अपने बेटे को सजा देना चाहता है। लेकिन जैक का बेटा उसे बचाने के लिए झूठ बोल देता है और कहता है कि ये मेरा ही आइडिया था, मैं ही गहरे पानी में जाना चाहता था। ये सुनने के बाद लीडर के बेटे को शर्मिंदगी महसूस होती है कि वो उसे मरने के लिए पानी की गहराइयों में छोड़ आया था, जबकि उसने बदला लेने के बजाय उसे बचा लिया। अब जैक का बेटा भी यहाँ के बच्चों का अच्छा दोस्त बन जाता है। उसके बाद वो उन सबको बताता है कि पानी में रहने वाले बड़े मॉन्स्टर ने उसकी जान बचाई है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। जैक का बेटा एक बार फिर से उस मॉन्स्टर के पास जाता है, जहाँ पर वो उसके साथ बहुत इंजॉय करता है। वहीं पर हमें कर्नल माइल्स को दिखाया जाता है जो जैक को ढूंढ रहा है। वो जैक को ढूंढ कर उससे बदला लेना चाहता है, लेकिन उसे नहीं मालूम कि जैक अपनी फैमिली को लेकर कहाँ चला गया है। लेकिन कर्नल ने स्पाइडर की मदद से यहाँ के कल्चर के बारे में बहुत कुछ सीख लिया होता है। साथ ही वो एक एकरांग की भी सवारी करना सीख चुका था। वो एकरांग पर बैठकर स्पाइडर के साथ एक आइलैंड पर पहुँचता है, जहाँ के लोगों को ये लोग बंदी बना लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या उन्होंने जैक को देखा है। वो जैक की फोटो भी उन्हें दिखाता है, लेकिन वो लोग उसे बताते हैं कि उन्होंने इस शक्ल के नावी को यहाँ पर नहीं देखा है। कर्नल को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ के पानी के क्रिएचर्स को मार देता है, जिसे स्पाइडर को बहुत बुरा लगता है। वो कहता है कि ये सिर्फ मछली पकड़ने वाले नावी हैं, इन्हें कुछ नहीं पता। कर्नल उन लोगों से पूछना बंद कर देता है, लेकिन इस जगह को वो आग लगाकर निकल जाता है। उसके बाद वो और भी ऐसे कबीलों के पास जाता है, लेकिन उसे किसी भी कबीले से इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि जैक कहाँ है। वो कई नावी लोगों को मार भी देता है, और जब ये समुद्र के रास्ते जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने समुद्र का एक बहुत बड़ा क्रिएचर अपने बच्चे के साथ तैर रहा होता है। वो आता है और ये उसके ऊपर हमला करके उसे मार देते हैं। उसके बाद ये लोग उस क्रिएचर के मुंह के अंदर जाते हैं, जहां ये लोग उसके दिमाग से एक लिक्विड निकालते हैं, और ये लिक्विड इतना पावरफुल होता है कि जो भी इंसान इस लिक्विड को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेगा या पिएगा तो उसकी उम्र बढ़ जाएगी, यानी कि वो बहुत ज्यादा सालों तक जिंदा रहेगा, और अर्थ पर इस लिक्विड की कीमत करोड़ों में होगी। अब ये सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन वो कबीला जिसने जैक और उसकी फैमिली को पनाह दी थी, वो लोग उस मरे हुए क्रिएचर को देख लेते हैं और वो समझ जाते हैं कि ये सब कुछ जैक की वजह से हुआ है। वो जैक से कहते हैं कि तुम्हारी वजह से इंसान यहाँ तक पहुँच गए, जो अब हमारे क्रिएचर्स को मार रहे हैं, जो हमारी दुनिया का हिस्सा है, लेकिन अब इंसानों को इसकी कीमत चुकानी होगी, इसलिए अब हम उन पर हमला करेंगे। दूसरी तरफ हम जैक के बेटे को देखते हैं, जो समुद्र में एक बार फिर से उसी क्रिएचर के पास जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी। वो देखता है कि वो पूरी तरह से निढाल पड़ा है, क्योंकि इंसानों ने उसकी बॉडी में एक बहुत बड़ा डिवाइस इंजेक्ट कर दिया है, जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रहा होता।
और अगर उसे बचाना है तो उसे इस डिवाइस से निकालना होगा। जैक का बेटा और कबीले के दूसरे बच्चे मिलकर उस डिवाइस को निकालने की कोशिश करते हैं और जल्द ही इंसान भी इस जगह पर पहुंचने वाले हैं, क्योंकि वो इस क्रिएचर को जो कि बहुत बड़ा है उसे मारकर उसकी बॉडी का वो लिक्विड निकालना चाहते हैं, जिससे कि इंसानों की उम्र बढ़ जाती है। जैक और कबीले के दूसरे लोगों को पता चल जाता है कि उनके बच्चों की जान खतरे में है, इसलिए सब समुद्र के उस तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर बच्चे हैं। कर्नल उन सब बच्चों को देख लेता है, पर इससे पहले कि वो उस जगह तक पहुँचता बच्चे उस डिवाइस को निकाल लेते हैं और उस क्रिएचर को समुद्र की गहराई में ले जाते हैं ताकि उस क्रिएचर को छुपा सके। कर्नल के साथी बच्चों के ऊपर लगातार हमले कर रहे होते हैं और इस हमले में कबीले के लीडर की जो बेटी होती है उसकी जान जाने ही वाली होती है, लेकिन जैक का बेटा उसे बचा लेता है। लेकिन कर्नल और उसके साथी बच्चों को जाल में फंसा कर शिप में ले आते हैं। जैक भी अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो देखता है कि कर्नल ने बच्चों को शिप के फ्रंट पर बांधा हुआ है, इसलिए वो उन पर हमला नहीं कर सकता। कर्नल जैक से कहता है कि अगर तुम अपने बच्चों की जिंदगी चाहते हो तो तुम्हें अकेले ही शिप पर आना होगा, और जैक उसकी इस बात को मान जाता है क्योंकि वो अपने बच्चों और लोगों की जान बचाना चाहता था। पर इससे पहले कि वो शिप तक पहुंचता, वो क्रिएचर जिसकी जैक के बेटे ने मदद की थी वो इस शिप पर कूद कर तबाही मचा देता है। यहाँ जैक और उसके साथियों को मौका मिल जाता है, वो कर्नल और उसके साथियों पर अपने लोगों के साथ हमला कर देता है। अब इंसानी लोगों और नावी लोगों के बीच में अच्छी खासी फाइट होती है जिसमें बहुत सारे इंसान मारे जाते हैं और कुछ नावी लोग भी मारे जाते हैं, लेकिन इस लड़ाई में जैक के बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और जल्द ही वो भी मर जाता है। ये देखकर निटेरी को दुख होता है, लेकिन अब वो कर्नल से अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहती थी, लेकिन अब भी उसका एक बेटा और एक बेटी जिसे उसने अडॉप्ट किया था वो दोनों कर्नल की गिरफ्त में होते हैं। जैक अपने बच्चों को बचाने के लिए जाता है। कर्नल जानता है कि जैक यहाँ पर आएगा, इसलिए उसने जैक को मारने के सारे इंतजाम किए होते हैं। जैक भी एक ब्लास्ट करता है जिसमें काफी सारे लोग मारे जाते हैं, जिसके बाद वो खुद कर्नल की शिप पर आ जाता है। यहाँ पर निटेरी भी आ जाती है जो कर्नल के कई लोगों को मार देती है, और जब कर्नल देखता है कि उसकी हार हो रही है, उसके बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, तो वो जैक की बेटी के गर्दन पर चाकू रखकर सबको हथियार डालने के लिए कहता है। लेकिन इससे पहले कि सब हथियार डालते, निटेरी स्पाइडर को जिसे उसने बचपन से पाला था उसकी गर्दन पर चाकू रखती है और कहती है कि मेरी बेटी को छोड़ दो। कर्नल स्पाइडर को बचाने के लिए उसे छोड़ देता है, जिसके बाद जैक और कर्नल के बीच में एक जबरदस्त फाइट सीन होता है, और इस फाइट में जैक कर्नल को पानी में गिरा देता है। कर्नल पानी में डूब रहा होता है तभी स्पाइडर वहाँ पहुँच कर उसे पानी से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने स्पाइडर को बचाने के लिए जैक की बेटी यानी कि उसकी बहन को छोड़ दिया था। कर्नल चाहता है कि स्पाइडर उसके साथ रहे, लेकिन स्पाइडर उसके साथ रहने से मना कर देता है क्योंकि वो एक जालिम इंसान है, क्योंकि उसने कई क्रिएचर्स को मारा था जो स्पाइडर कभी भी नहीं चाहता था। इसलिए वो पानी में कूद कर एक बार फिर से जैक की फैमिली के पास चला जाता है, क्योंकि अब वो भी उनके साथ रहना चाहता है। जैक की फैमिली भी उसे एक बार फिर से एक्सेप्ट कर लेती है। अब जैक जंगल की दुनिया को छोड़कर पानी की दुनिया में आ चुका है। वो अपने बेटे को आखिरी विदाई देता है जिसकी मौत हो चुकी है। उसे पता है कि उसकी और इंसानों की एक बड़ी जंग होने वाली है और वो इस प्लेनेट पर एक बार फिर से आकर पूरे प्लेनेट को हड़पना चाहेंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें।